इस वीडियो में हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की, प्रेशर का मेल्टिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट होता है और कुछ एलिमेंट्स के मेल्टिंग पॉइंट की। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मेल्टिंग पॉइंट किसी सब्सटेंस का वो टेम्परेचर होता है जिस पर पहुंचने के बाद वो सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। हम इसे एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपने आयरन के ऑब्जेक्ट को हीट करना स्टार्ट किया और जब आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट देते हो तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। सो आयरन ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और जब यह ऑब्जेक्ट 1538 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा तो यह ऑब्जेक्ट मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1538 डिग्री सेल्सियस होता है। अजीब बात है कि जब आयरन ने मेल्ट होना स्टार्ट किया और जब यह पूरा मेल्ट हो गया, इस पूरे प्रोसेस में आयरन का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा बिकॉज इस प्रोसेस में दी गई हीट आयरन के मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड को तोड़ने में यूज होती है। दैट्स व्हाई आयरन का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ। इस प्रोसेस में दी गई हीट को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हम डिटेल में किसी और वीडियो में स्टडी करेंगे। अब बात करते हैं प्रेशर के मेल्टिंग पॉइंट पर इफेक्ट की। किसी ऑब्जेक्ट पर प्रेशर अप्लाई करने से उस ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है। और हमें पता है कि किसी ऑब्जेक्ट को मेल्ट करने के लिए उस ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ता है। मींस अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो हमें उस ऑब्जेक्ट को हाई टेम्परेचर तक हीट देनी पड़ेगी, तब उस ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगा। अगर आपको जानना है कि टेम्परेचर के कारण कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटता है तो आप हमारी टेम्परेचर कॉन्सेप्ट वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बात करते हैं कुछ एलिमेंट के मेल्टिंग पॉइंट। एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट 660 डिग्री सेल्सियस होता है, कॉपर का 1085 डिग्री सेल्सियस एंड गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट 1064 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या आपको पता है कि टंगस्टन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 3414 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी कारण इसका यूज हमारे घरों में यूज किए जाने वाले बल्ब में किया जाता है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।